हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 करेंगे विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था डायमेंशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमने डायमेंशन एनालिसिस की, उसके अलावा लिमिटेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं और क्लियर करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी को हम किस तरीके से डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। जब कभी भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो इट मींस कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, या कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं। जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी टर्म की जिसके आपको डायमेंशंस बतानी है उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना है, लाइक दिस। अगर आपको स्पीड की डायमेंशंस बतानी है तो स्पीड को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में, और जितनी भी डायमेंशंस आप लेंगे सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो डायमेंशंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वो है आपके मास m, मीन्स कि अगर आप मास की बात करते हैं तो हम कैपिटल एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, टाइम फॉर टी। ये तीन आपकी मेन डायमेंशंस होती हैं। इसके अलावा दो और डायमेंशंस है जो हम यूज करते हैं विच इज के एंड ए। के फॉर टेम्परेचर, के की फुल फॉर्म केल्विन है, एंड देन करंट, करंट के लिए आप ए यूज करते हैं। तो ये आपकी कुछ डायमेंशंस के सिंबल हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आप देखिए इसमें डिस्टेंस अपॉन में टाइम देखते हैं तो लेंथ अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो मीन्स कि लेंथ से या डिस्प्लेसमेंट इसके रिगार्डिंग कोई बात हो रही है तो हमारे पास इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती तो इसलिए हम इसको लेंथ में मेजर करते हैं, और अपॉन में टाइम, टाइम के लिए आप टी यूज करते हैं। अब हमें स्पीड की डायमेंशंस बतानी है, स्पीड को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में पुट किया, देन लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ के लिए एल, टी के लिए टाइम। आपका टी यहाँ पे डिवाइड में था इसलिए ये जब ऊपर जाता है तो ये माइनस की फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस वन पुट किया। सो लेंथ और टाइम एल वन एंड टी माइनस वन, ये आपकी स्पीड की डायमेंशंस है। इस वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं या जब 11, 12 में फिजिक्स पढ़ते जाते हैं तो आप जितनी भी टर्म्स फिजिक्स में पढ़ते हैं आपको उन सब की डायमेंशंस पता होनी चाहिए, और जब हम कॉन्टिनेशन में डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये डायमेंशंस हमें लर्न हो जाती है, फिर हमें इन्हें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन सेकेंड इज फोर्स। फोर्स की बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स के लिए मास फर्स्ट लिया आपने, सेकेंड वन इज एक्सेलरेशन। सो मास के लिए आपने एम पुट करा एंड एक्सेलरेशन के लिए वी अपॉन में टी। अब जब आपने इसकी डायमेंशंस लिखी, मास एल, सॉरी मास एम हो गया आपका, वी अपॉन में टी मीन्स एल अपॉन में टी स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन के लिए यूनिट यूज करते हैं, और ये आपने इसकी डायमेंशंस लिखी एम वन, एल यहाँ पे आपका वन है और टी जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस टू में हो जाएगा। तो ये आपकी फोर्स की डायमेंशंस थी। थर्ड वन इज एनर्जी। एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी में आपकी बहुत सारी एनर्जी आ सकती है, या किसी कोई भी फॉर्म आप एनर्जी के लेते हैं तो वो सारी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। आप देखिए एनर्जी में आपका वर्क डन भी आता है, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते हैं, तो ये सारी फॉर्म्स क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स कि इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होंगी। डायमेंशंस में हमारे पास यही एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर एक ही फॉर्म है सबकी तो भले ही नाम अलग हो जाए लेकिन इनकी डायमेंशंस हम सेम लेते हैं, बट अगर सिंबल और यूनिट की बात करें तो इन सबका सिंबल यूनिट अलग अलग होगा। तो अब देखिए एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशंस होती हैं वो आपकी एल होती है, देन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आप एस सॉरी एल लेंगे, फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लास्ट हमने फोर्स की डायमेंशंस लिखी थी तो आपने इसको लिख के, और ये देखिए एम वन हो गया आपका, एल यहाँ पे फोर्स की इसमें आया और एक बार डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एल आपके टू हो गए, देन टी माइनस टू रह गया। तो ये आपकी एनर्जी के लिए डायमेंशंस थी। अब मैंने आपको बोला कि एनर्जी की सारी सेम होती है तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का, कि क्या वो सेम आती है या नहीं आती है। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एम जी
एच, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास के लिए आपका एम होता है और जी एच आप यहाँ पे एल एल, क्योंकि ये एक तरीके की लेंथ की फॉर्म में ही हाइट होती है। देन टाइम इज टी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे डायमेंशन आपकी एम वन, एल टू और टी माइनस टू, जो कि एनर्जी के सिमिलर है, तो इट मीन्स कि ये दोनों आपके डायमेंशन सेम रहेंगी। ऐसे ही आप काइनेटिक एनर्जी की और वर्क डन की भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट इसको हम रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज हमें पता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू टी, हियर आई इज करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं सो करंट इंटू में टाइम, करंट आपका ए लेते हैं, टी फॉर टाइम। सो इन दोनों की डायमेंशन ए टी, ए वन और टी वन, ये आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की थी। अगर आपके पास किसी ऐसे की डायमेंशन निकालनी हो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, तो अगर हम रिलेशन जानते हैं तो हम उससे भी पुट करके उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपका यूनिट है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसमें देखिए एफ इंटू एस, फोर्स हो गया आपका, एस डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं, ए टी आपका यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सेम ही डायमेंशन रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज से। देन आपने यहाँ पे ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेके जो यूनिट्स बनाई एफ एल टू टी माइनस टू, ये आपकी जब आपने एनर्जी पढ़ा था ऊपर, एनर्जी जब मैंने करवाया था उस टाइम पे आपको ये डायमेंशन दी थी, तो आपने इन दोनों की डायमेंशन को देखे मिला के कैसे लिखा, एम वन एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी। अब ये जो टर्म्स थी ये तो हम इलेवेंथ में पढ़ेंगे और अभी भी आपने लास्ट वीडियोस में ये सुनी होंगी। अब इसके अलावा जो ये वर्ड है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये आपका बहुत ही अलग सा वर्ड है, ये अभी आपने इलेवेंथ में नहीं पढ़ा होगा और ना आप पढ़ेंगे, ये आपका ट्वेल्थ का टॉपिक है, जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स तो उसमें ये आएगा, बट आपको जब इलेवेंथ में आप डायमेंशंस वाला टॉपिक करेंगे तो उस टाइम पे आपको इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आप जितनी भी फिजिक्स की टर्म्स को यूज करेंगे या फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करते हैं उन सब की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। देन कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, Q ये आपका चार्ज है एंड V पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपने सेम वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन थी वो आपने एज इट इज यहाँ पे लिखी, देन Q के लिए चार्ज मीन्स की ए टी, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन ये हो गई है। नेक्स्ट है आपका प्लैंक कॉन्स्टेंट, और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे इसके हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट जब हम देखते हैं तो ये हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा होता है, लेकिन जब हमने एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ते हैं तब ये एक रिलेशन आप देखेंगे, E इज इक्वल टू एच एफ, यहाँ पे F आपका फ्रीक्वेंसी है, तो वहीं से आपका प्लैंक कांस्टेंट भी आता है। अब देखिए प्लैंक कांस्टेंट के लिए जब हम लेते हैं तो एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें सिंबल्स देखिए पहले एक बार, एनर्जी के लिए E एंड फ्रीक्वेंसी के लिए F। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी आपका रेसिप्रोकल होती है टाइम का। आपने लिखा है यहाँ पे एनर्जी के लिए आपने पहले डायमेंशन निकाली थी, आपने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू एंड एफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो वन अपॉन में टाइम विच इज टी, आपने यहाँ पे लिखी डायमेंशन। अब ये देखिए आपका ये डिविजन फैक्टर में, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया आपका, देन ये माइनस वन एम एल टू टी माइनस वन, तो ये थी आपकी प्लैंक कॉन्स्टेंट। अभी तक जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी है उनकी डायमेंशन देखी, बट अब जो हम देखेंगे वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैंने आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल मींस की सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाई थी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक पार्ट है, उसमें जब मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाई थी तो उसमें आपकी दो थी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की यूनिट्स होती हैं बट इनकी डायमेंशन नहीं होती। सो प्लेन एंगल आपका लेंथ, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, प्लेन एंगल आपका हमेशा सर्कल से निकलता है, सॉलिड एंगल की बात करें तो वो एक कॉनिकल होता है तो ये स्फेयर से निकलता है। प्लेन एंगल में जो मेजरमेंट है एल अपॉन में एल ई रहती है, सो इसकी डायमेंशन एल से एल कैंसिल आउट या फिर एल जीरो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी एम एल टी या फिर कोई भी आप डायमेंशन यूनिट लेते हैं और उसके ऊपर जब जीरो पावर में दे देते हैं तो इट मीन्स उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप ये लिखें और ना लिखें बात एक ही रहती है। देन सेकेंड इज सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। एरिया के लिए भी आप एल लेते हैं, आर आपका रेडियस, वो भी एक तरीके की लेंथ की मेजरमेंट हो गई, तो एल स्क्वायर ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के अलावा जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती वो आपका स्ट्रेन है। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला आप पढ़ते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ की बात करते हैं, चेंज इन किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो डेल्टा यूज करते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन में एल, यहाँ पे आपकी डायमेंशन कट गई और आपका यहाँ पे भी क्या रह गया, जीरो। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे डायमेंशन के। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको सारे एग्जाम्पल्स को एक बार देखना है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लगती है या फिर कोई भी टर्म ऐसी है जिसका आपको डायमेंशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है विच इज राउंडिंग ऑफ, कि मतलब हम किस तरीके से किसी फिगर को राउंड करके यूज करते हैं। अब राउंडिंग ऑफ की जब बात करते हैं तो इट मीन्स कि किसी भी सिंपलर नंबर को कन्वर्ट करना या फिर एक ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखना जो हमारे पास नंबर प्रेजेंट है वो उसके क्लोजेस्ट हो। देखिए राउंडिंग ऑफ मीन्स अ नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से या किसी को आपको 99 रुपीज देने हैं, तो अगर कई बार आपके पास चेंज नहीं होता और आप इतने ज्यादा मनी माइंडेड नहीं है तो आप 100 भी दे देंगे, आप वो 1 रुपीज के चक्कर में ना अपनी कैलकुलेशन खराब नहीं करेंगे ना टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब 99 और 100 में अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है तो आप 100 लेंगे क्योंकि वो आपके लिए ईजी होगा। तो इस टाइप की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं या उसको फिगर को राउंड करना कहते हैं। अब देखिए इट इज डन फॉर होल नंबर एंड फॉर डेसिमल एट वेरियस प्लेसेस ऑफ 100, 10, 10th एक्सेट्रा। अगर हम होल नंबर देखते हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता तो ये पूरे के लिए राउंड ऑफ होता है, बट अगर आपके पास डेसिमल होता है, डेसिमल की फॉर्म में कोई नंबर होता है तो उस टाइम पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो आपका 10 या 100 या वंस की फॉर्म में हम उसको लेते हैं। राउंडिंग ऑफ इज नंबर टू डन टू प्रिजर्व द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब हम फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रिजर्व करने के लिए ये टॉपिक क्लियर करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स एंड वॉट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, 13.2, 3.14, 151। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, फर्स्ट में 3 होंगी, देन 6 होंगी, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। सो उससे पहले कुछ रूल्स आप देखिए राउंडिंग ऑफ के। फर्स्ट रूल है अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 5 है, मीन्स कि कोई भी नंबर है अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आपको ये नंबर्स आते हैं, और अगर आपका लेस देन 5 है तो ये नंबर्स। तो इनको कैसे करते हैं, जब आप ग्रेटर देन 5 की बात करते हैं तो हम राउंड अप जो करते हैं नंबर को वो ऊपर ले जाते हैं, मींस आपका जो नंबर है वो एक नंबर ऊपर हो जाएगा, मींस कि +1 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। बट अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो हम नंबर को नीचे की साइड लेकर आते हैं। ये आपके दो एग्जांपल्स से अगर आपने देखा यहाँ पे 38 है तो इसका नंबर जो लास्ट में है वो 5 से ज्यादा है तो आपने इसको ऊपर लेके गए तो इसने आप 40 बना सकते हैं 39, बट 39 भी राउंड फिगर नहीं होती इसलिए इसको आपने 40 में कन्वर्ट कर दिया। देन सेकेंड एग्जाम्पल राउंड करना है, इसको डाउन लेकर आएंगे क्योंकि 3 है तो लेस देन 5 है तो आपने इसको 20 में कर दिया। ये जो यहाँ तक का टॉपिक है ये आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, बहुत इजी सा है ये आपके लिए, इसको आप नॉर्मल मैथ्स में भी यूज कर लेते हैं। बट जब हम फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग करते हैं तो आपके यहाँ से रूल स्टार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे एक नंबर है 2.8773। अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स के बाद में राउंड ऑफ करना है, तो ये आपका डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, देखिए आपने 2.87 ये आपके डिजिट्स हो गए, इसके बाद आपको राउंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 7 आपका लास्ट नंबर है, इसके बाद में देखिए आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या ले रखा है आपको 7। सो 7 आपका 5 से बड़ा नंबर है तो आप क्या करते हैं इसमें +1 कर देते हैं। जब आप इसमें +1 करेंगे तो इसके बाद वाला नंबर आपका डिसअपियर हो जाएगा, वो लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो अब आप इसका राउंड फिगर देखिए, आपका 3 डिजिट्स में जो राउंड फिगर आता है, या क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 3 डिजिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करिए तो आप इस टाइप से करेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो आप नंबर को वही रहने देंगे, और अगर आपका ग्रेटर देन 5 है जैसे कि ये एग्जाम्पल है तो आपने नंबर में
वन ऐड किया। अब यहाँ पे आप देखिए 2.888 आप एज इट इज रखेंगे, देन 7 था तो आपने इसमें फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दिया तो 2.88 बन गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल इधर देखिए, जो लेस देन 5 था उसमें आपने देखा 87 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है यानी कि 3 डिजिट्स में आपको इसको सिग्निफाई करना था, देन नेक्स्ट नंबर आप देखते हैं 4 आपका लेस देन 5 है। तो आपने क्या किया, लेस देन 5 था तो बाकी की जो दोनों डिजिट्स थे उनको छोड़ दिया और 2.87 तक आपने लिखा। अब जो नेक्स्ट रूल्स हैं ये थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी से समझ में नहीं आते। अब इसमें देखिए 2.8651, अब इस केस में आप देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो क्या है आपका 1, मीन्स कि जो लास्ट नंबर है वो 1 है, 1 मीन्स कि आपका नॉन ज़ीरो नंबर है। जब कभी भी आपका नॉन ज़ीरो नंबर होता है तो हम उससे नंबर से पहले वाले जो आपको नंबर डिस्कार्ड करना है उससे पहले वाले नंबर को आप प्लस 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स में चाहिए था तो 2.8 तो आप लेंगे ही लेंगे, बट 6 की जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट में आपका नॉन ज़ीरो नंबर है तो आपने इसमें 1 ऐड कर दिया तो आपका 2.87 ये नंबर बन गया। अब जब हमारे पास लास्ट में नॉन ज़ीरो नंबर था तो आपने प्लस 1 कर दिया, बट अगर आपके पास केस आ जाए कि लास्ट में आपका नंबर 0 हो, ये दोनों केसेस देखिए, फर्स्ट में 3.8750 इसमें भी लास्ट में 0 है एंड नेक्स्ट जो नंबर है आपका वो भी क्या है 0 है। अब इसमें आपको दो रूल्स मैं अलग पढ़ाऊंगी। फर्स्ट में देखिए जब आप इसकी बात करते हैं तो आपके पास 3.8750 तो आपका जो डिस्कार्ड करने वाला नंबर है वो आपका 50 होगा ऑब्वियसली। तो आपने क्या देखना है, फर्स्ट तो आपको देखना है कि लास्ट में नंबर क्या है, तो यहाँ पे क्या है 0 है। तो जब लास्ट में आपकी डिजिट 0 रहती है तो आपको जो डिस्कार्ड करना है उससे पहले वाला नंबर देखना है। 50 हमें डिस्कार्ड करना है, उससे पहले वाला नंबर क्या है आपके पास 7। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि 7 या फिर कोई भी जो नंबर आपको दे रखा है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अगर आपका ऑड नंबर होता है तो आप उसमें प्लस 1 करते हैं, और अगर हमारा इवन नंबर होता है तो वो हमारा अनचेंज रहता है, मींस कि जो नंबर है आप उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 हमारा ऑड नंबर है तो इट मीन्स इसमें आप प्लस 1 करेंगे तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 3.8 एज इट इज रहेगा, देन 7 प्लस में 1 तो 3.88। नाउ नेक्स्ट इज 3.8650, इसके भी लास्ट में 0 है, ऑब्वियसली डिस्कार्ड करने वाले से पहले वाला नंबर हम देखेंगे तो वो आपका 6 है और 6 आपका एक इवन नंबर है तो इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको आप यहीं छोड़ देंगे 3.86। अब ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल थे, बट मेनली हम इनको कहाँ यूज करते हैं तो वो हमारी दो टर्म्स हैं या कह सकते हैं 4 टर्म्स हैं, बट हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मींस कि ये राउंडिंग ऑफ की एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम लीस्ट प्रिसाइज प्लेस वैल्यू को लेते हैं, लीस्ट मीन्स कि जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। अब देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का और यहाँ पे एडिशन का, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं। आपने दो नंबर्स को आपस में ऐड किया, आपके पास ये वैल्यू आती है। अब आपको ये पूरी वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, आपको इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इन दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को किसकी है या कम नंबर कौन से है सिग्निफिकेंट में। तो इसमें देखिए 13 पॉइंट, दोनों में 13 है बट पॉइंट के बाद में इसमें 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ऑब्वियसली कौन सी वाली डिजिट आप लेंगे, ये वाली। अब इस डिजिट के अकॉर्डिंग पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं 1, तो आपका यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स रहने चाहिए 1। अब देखिए इसमें 0 पॉइंट एज इट इज रहेगा आपका, बट जब आप 8 की बात करते हैं, 8 आपने देखा जो हमारा रूल था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि अगर नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो उस टाइम पे हम इसमें ऐड 1 कर देते हैं जो डिस्कार्ड करना होता है उससे पहले वाले नंबर पे। तो आपने इस 0 में ऐड 1 कर दिया, 0 प्लस 1 तो आपका 1, तो इसका आंसर आता है आपका 0.1। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए बहुत सारे, इसमें आपको देखना है लीस्ट नंबर पहले तो ऐड कर दीजिए, उसके बाद लीस्ट नंबर देखिए आपका क्या है 5.1, क्योंकि इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं लेकिन इसमें सबसे कम है। सेम आपका रूल इसके साथ फॉलो होगा, 1.61 तो आप एज इट इज लिखेंगे लेकिन डेसिमल के बाद, आपको देखना है यहाँ पे क्या है 9,
9 आपका 5 से बड़ा। अब इसमें देखिए आपने इसको पहले ऐड कर दिया, देन 161 आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद में आपको देखना है इसमें लीस्ट नंबर आपका 1 आता है, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने ये दो नंबर्स लिए यहाँ पे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका नंबर 9, 9 आपका 5 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो नंबर होता है डिस्कार्ड करने वाले से पहले वाले नंबर पे हम 1 को ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 1 आपका अगेन सेम रह जाता है, तो 161 पॉइंट में 1। अब लास्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। जब आप एडिशन की बात करते हैं तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखते हैं, बट जब हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की बात करते हैं तो उसमें जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है हम उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द मेजर्ड वैल्यू विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अब आपके पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं लेंथ सॉरी मल्टीप्लीकेशन का, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है डिविजन का। ये जो क्वेश्चन है आपका IIT का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि लेंथ आपको दे रखी है, उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है। आप ए क्यूब जब आप फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम के लिए, तो देखिए आपने इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा तो आपका मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर आंसर आ गया, बट आपको सिग्निफाइज वैल्यू और राउंडिंग ऑफ के मेजर टर्म्स को यूज करके आंसर देना था, तो मींस कि आपका नियर बाय आंसर आपका करेक्ट होगा। आपने क्या किया 1.2 × 10⁻², तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 3, मीन्स कि इन दोनों टर्म्स को आप 3 टाइम्स लिखेंगे। बट जब हम सिग्निफिकेंट रूल्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि 10 की पावर अगर कुछ भी हो तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जब आप डिविजन और मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो ये टर्म आपकी ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाती है, ये गायब हो जाएगी, तो आपके पास टर्म बचेगी 1.2। 1.2 को आप 3 टाइम्स लिख के देखिए, आप देखिए यहाँ पे भी 2 या मीन्स कि आपके जो डेसिमल है वो भी हर बार 1 के बाद ही लग रहा है, दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये दोनों क्या रहेंगे आपकी सेम। जब इसमें आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारा जो इतना बड़ा आंसर है इसमें जो आपकी फर्स्ट ये टर्म आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है, तो हमें जो करना है इस टर्म के साथ करना है, तो इसमें भी आपके जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर भी हमेशा 2 डिजिट्स में ही आना चाहिए। आप देखिए जो आपकी दो डिजिट्स हैं 1 और 7 रहेंगी, उसके बाद वाला नंबर आपने देखा 2 आपका लेस देन 5 है, मीन्स कि 5 से छोटा है, तो लास्ट के जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं और आपका सेम नंबर रहता है 1.76 × 10⁻⁶, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। सेम आपका डिवीजन के साथ है, आपने डिवाइड किया आपके पास एक लंबा सा आंसर आ गया, फिर आपने देखा इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, नीचे वाली 1.23, तो मीन्स कि आपके पास 3 टर्म्स में ही आंसर आएगा, तो 1, 2 और 3। इतने बड़े नंबर में आपने जो फर्स्ट नंबर देखे तो 1, 2, 3 में आते हैं आपके 1, 8 और 3। आपने देखा लास्ट नंबर आपका 3 है, बट 3 भी आपका क्या है लेस देन 5 है, और सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका लास्ट नंबर 5 है जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तब भी, अभी जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए उस अकॉर्डिंग आपका अगर नंबर लेस देन 5 है तो नंबर आपका सेम रहता है, तो 1.83। सो इस वीडियो में हमने राउंडिंग ऑफ और कुछ डायमेंशंस के एग्जाम्पल पढ़े थे। इसके अलावा जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी उसमें हम एरर पढ़ेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप जितना भी कुछ पढ़ते हैं आपको सबके नोट्स PDF में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूँ। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।